हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को ज़ेन के साथ यूज़फुल सर्विस कोड के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में कस्टमर केयर नंबर का, तो कस्टमर केयर का नंबर है 959। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर इस पर कॉल नहीं लग रहा है तो आपको क्या करना है, 0590009059 आप इस पर कॉल कीजिएगा। लेकिन ये याद रखिएगा, ये चार्जेबल है। इस पर कॉल करने से आपको कुछ पैसा डिडक्ट होगा। उसके बाद सेकंड में आप आ जाता है बैलेंस चेक करने के लिए। तो बैलेंस चेक करने के लिए आपको क्या करना है, *142 और हैश दबा देना है। उसके बाद डायल बटन, इससे आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। ये देखिए मेरा बैलेंस शो हो रहा है। उसके बाद थर्ड में आ जाता है, अगर आप इंटरनेट डेटा चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, *405 और हैच, उसके बाद डायल बटन दबा देना। आपको जो भी इंटरनेट डेटा होगा ये यहाँ शो करेगा। ये देखिए इस तरह से शो करेगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं रिचार्ज करने के लिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, *141 और जो भी कूपन नंबर हो वो डाल देना है। उसके बाद हैश दबाना है। उसके बाद डायल बटन दबा देना है। तो आप इस तरह से आपका रिचार्ज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर नहीं आपको पता है, सिम लगा हुआ है मोबाइल में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, *34# उसके बाद डायल बटन दबा देना। जो भी आपका नंबर होगा आपके इस डिस्प्ले पर शो करने लगेगा। देखिए इस तरह से ये तो हो गया। उसके बाद आप किसी को क्रेडिट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो मैं बाद में बता दूँगी। अगर आप किसी को प्लीज़ कॉल मी का मैसेज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, *123 और नंबर डालना है जिसको, उसके बाद हैश दबाना है। तो जैसे देखिए *123 जिसको आप कॉल मी का मैसेज भेजना चाहते हैं उसका नंबर यहाँ डालना है, 0 से स्टार्ट करना है। देखिए कुछ इस तरह से, उसके बाद हैश दबाना है, उसके बाद डायल बटन दबा देना है। तो उसके पास मैसेज चला जाएगा कॉल मी का। लेकिन ये 3 टाइम ही फ्री है, उसके बाद चौथे टाइम से ये कुछ आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा। उसके बाद आ जाते हैं आप किसी को क्रेडिट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मैसेज भेजना पड़ेगा 702702702। इस पर आपको मैसेज करना पड़ेगा। पहले जिसको आपको लिखना पड़ेगा BT, आपको यहाँ लिखना BT, उसके बाद जिसको भेजना चाहते हैं उसका नंबर और अमाउंट। देखिए इस तरह से BT स्पेस जिसको भेजना चाहते हैं, क्रेडिट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको स्पेस देकर अमाउंट लिख देना है, जैसे 20 रियाल। याद रखिएगा मिनिमम आप 10 रियाल भेज सकते हैं और मैक्सिमम 50 रियाल। उसके बाद यहाँ से सेंड कर देना है। उसके बाद रिसीवर जो रिसीव करेगा उसको क्या करना है, उसका इकामा नंबर यहाँ डालना है, जैसे देखिए एग्जांपल के लिए। और उसके बाद इसी नंबर पर 702702 पर ये मैसेज सेंड कर देना है। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया हो। फिर मिलते हैं अगली